हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं सुस्वाती आपकी इंग्लिश एजुकेटर हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की गुलमोहर बुक वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सिक्स्थ यूनिट टुडे द नेम ऑफ द चैप्टर इज जीरो आवर जीरो आवर इज बेसिकली अ चैप्टर वेयर यू आर गोइंग टू सी और लिसन टू लिसन अबाउट द साइंटिस्ट्स ओके सो जैसे आ, कितने लोग हैं जिनको नासा में बहुत इंटरेस्ट है और मून जो है बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेट करता है या ऐसा लगता है कि यू नो आई विश टू गो टू मून समे अब आई ऑलवेज मैन आई वॉज यंग आई यूज़ टू फील जिनके पेरेंट्स होते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं या जो नासा में काम करते हैं या इसरो में काम करते हैं उनके बच्चों को कैसा लगता होगा बिकॉज दे वुड नो एवरी थिंग ना दे वुड डिस्कस एन ऑल सो यहाँ हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही छोटे बच्चे की जिसके फादर एक साइंटिस्ट हैं और जो कि मतलब स्पेस साइंटिस्ट हैं और स्पेस में रिसर्च करते हैं उनके बहुत सारे काम वैसे होते हैं तो नाउ दिस पॉय हैज एन आइडिया उसको एक आइडिया आता है कि वो भी मून में जा सकता है एंड नाउ वॉट एक्चुअली हैपन्स और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से वो बच्चा निकल भी जाता है क्या होता है एग्जैक्टली exactly स्टोरी में ये हम पढ़ेंगे अभी बट बिफोर वी स्टार्ट आर स्टोरी वी विल सी समथिंग अबाउट आर राइटर द नेम इज एलेक्जेंडर ब्लेड

अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी स्टोरी फादर हैड ऑलरेडी गॉन वेन बॉबी वो अप। अब बॉबी जो है ही इज द हीरो ऑफ आर स्टोरी बॉबी जो है एक छोटा बच्चा है और उसके जो फादर हैं वो ऑलरेडी काम के लिए निकल चुके हैं दिस डिसअपॉइंटेड बॉबी अ लिटिल बट देन ही रिमेम्बर्ड दिस वॉज द बिग डे इससे बॉबी थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया कि अरे यार फादर मुझे पाई ये बिना ही चले गए लेकिन अचानक से उसे याद आया आज तो बड़ा दिन है आज तो स्पेशल डे है नेचुरली फादर वुड गो टू द प्रोजेक्ट अर्ली तो ये तो ऑबियसली बात है कि फादर को आज जल्दी जाना ही पड़ेगा एंड एट फोर ओ क्लॉक डिलिशियसली एट द थॉट ऑफ इट एंड एट फोर ओ क्लॉक फोर ओ क्लॉक जब वो सुबह उठ चुका था तब उसको अचानक से उसने शिवर किया कि ओ मई गॉड यू नो जब आप बहुत एक्साइटेड होते हो तो बहुत एक्साइटमेंट के कारण एक शिवर जो होता है तो शिवर डिलिशियसली का मतलब होता है ट्रेम्बल्ड विद प्लेजर trembled with a pleasant sense of excitement expecting something to happen जब आपको लगता है ओ माय गॉड कुछ होने वाला है तो उसके साथ जो एक कभी-कभी छूटती है उसको बोलते हैं shivered deliciously okay so he was quiet at breakfast glad that mother was occupied because he did not want to talk not today He did not. So आज वो breakfast के time पे काफी शांत था And thank God मदर जो थी she was occupied with other work मतलब वो बाकी काम में busy थी because आज वो बात बिल्कुल नहीं करना चाहता था आज it was important कि वो चुप रहे क्यों He might spill something secret. वो हो सकता है मदर को कुछ secret बता दे आउट द बिग सीक्रेट हो सकता है उसके मुंह से गलती से बिग सीक्रेट निकल जाए दैट वुड बी टेरेबल उसको लगा नहीं ये तो नहीं होना चाहिए अफकोर्स ऑल थिंग्स सीक्रेट एट बफेलो फ्लैट्स अब यहाँ जो बफेलो फ्लैट्स जहाँ ये लोग रहते हैं उन्होंने बोला यहां पर सब कुछ सीक्रेट होता था सो सीक्रेट दैट टॉप साइंटिस्ट लाइक फादर जॉन कैंडल डिड नॉट इवन डिस्कस देम विदिलीज और यहाँ पे सब इतना ज्यादा सीक्रेट होता था कि टॉप साइंटिस्ट जो कि अब यहाँ पे अपने वो फादर को डिस्क्राइब

एंड मदर डिड नॉट इवन नो अबाउट द लूनर प्रोजेक्ट वॉज इन दर्क और मम्मी को खबर तक नहीं थी कि ये जो मून का जो प्रोजेक्ट है लूनर प्रोजेक्ट मतलब रिलेटेड टू मून ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी इन प्रोसेस है मतलब चल रहा है शी वैचुरली नॉट इवन ड्रीम दैट ही वॉज गोइंग विथ फादर और उसको मदर को कभी सपना भी नहीं आएगा कि बॉबी फादर के साथ मून पे जाने वाला है द थ्रिल वॉज ओवर पावरिंग द सीक्रेट वॉज टू मच टू बियर अब ये जो

और वो चेयर से उठा तो मदर ने उनकी तरफ देखा और बोला और बताओ आज का क्या प्लान है तुम्हारा बॉबी अ सडन टेम्पटेशन वाई नॉट गिव हिंट सो बॉबी के दिमाग में एक थॉट आया कि क्यों ना मैं मदर को एक हिंट दूँ? बॉबी स्माइल्ड एंड said, आई थिंक आई गो टू द मून today. और बॉबी ने क्या कहा मुझे लगता है आज मैं मून जाऊंगा

तो अब जब वो बैकयार्ड में गया मतलब बाहर बरामदे में गया तो बॉबी जो था थोड़ी देर उसका एक स्पेस रॉकेट था उसके साथ खेल रहा था वो मतलब एक स्क्रू को यहां उसने टाइट किया कहीं हैमर किया जस्ट अंटिल ही कुड स्लिप अवे विदाउट मदर नोटिसिंग वेयर वॉज हेडेड तो वो सिर्फ अपनी वो ये देख रहा था कि मदर को लगे कि हाँ मैं यहाँ पे बिजी हूँ जैसे ही उनका ध्यान भटकेगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा

बॉबी को एक रास्ता मिल गया था ही हैड फाउंड द वे इन मतलब अंडरग्राउंड रास्ता मिल गया था बॉबी को एक जिसके बाद उसने अपनी शिप पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया he went casually out through the back gate and turned left. तो वो एकदम casually जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है बाहर गया पीछे के दरवाजे से और left turn किया kicking at pebbles as he sauntered along. अब वो जो है पत्थरों को ऐसे जो है kick करते हुए जा रहा था as he sauntered along मतलब walked in a slow मतलब walked in a slow and very casual way, trying to look as though he had no place to go. और वो एकदम ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कि वो तो बस यूं ही भटक रहा है मतलब you know he has no place टू गोड टू बी केनी ऑफिस टू देना आज वो अपने किसी फ्रेंड से नहीं मिलना चाहता था वो नहीं चाहता था कि कोई भी फ्रेंड उसको रोके और पूछे तुम कहां जा रहे हो क्यों जा रहे हो वो बिल्कुल नहीं चाहता था द वे इन थ्रो दीवर वॉज एट अ प्लेस बिहाइंड लेबोरेट्री बी तो जो एक वहाँ पे एक लेबोरेटरी थी लेबोरेट्री बी उसके पीछे अंडरग्राउंड रास्ता था एक देर वॉज अ काइंड ऑफ एन एल ए देर दैट नो बडी एवर वॉक थ्रू अब यहाँ पे एक एल ए था एल ए मतलब एक नैरो स्ट्रीट थी बिटवीन यू नो बिल्डिंग्स के बीच में जहाँ से कोई ज्यादा जाता नहीं था एंड देन दिस राउंड लेड यू कुफ्ट अप एंड लुक अंडर और फिर जमीन में जैसे होता है ना जिसमें ढक्कन लगा होता है उसको आप हटाओ तो अंदर से पूरा जो नाला होता है तो वैसे यहाँ पे एक लिड था जिसको आप उठाओ और आप अंदर जा सकते थे एंड अ लैडर यू कुड क्लाइम डाउन प्लस एक लैडर था जिसके थ्रू आप नीचे जा सकते थे बॉबी हैड नॉट डेयर टू गो डाउन एट फर्स्ट बॉबी ने क... उसको देख लिया था पहले से लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं करी नीचे जाने की बट आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट ओवर नाइट लेकिन बैक एंड डक डाउन इन टू द लोअर लेवल तो उसकी जो क्यूरियसिटी थी वो बहुत ज्यादा प्रिवेल हो गई मतलब बहुत ज्यादा जो है बढ़ गई थी सक्सेसफुली तो उसने क्या किया वो वापस गया था एंड ही डक डाउन इन टू द लोअर लेवल डाउन यहाँ पे डग डाउन का मतलब क्या है लोवर हिज हेड उसने नीचे चला गया ही कॉल्ड इट अब वो स्यूवर नहीं था वो नाला नहीं था लेकिन क्योंकि वो अंडरग्राउंड था इसलिए वो उसे स्यूवर कहता था बट दिस प्लेस व्लीन एंड है ये सीवर नहीं था जब वो नीचे गया तब उसने क्या देखा वहां बहुत सारे वायर्स थे और छोटी छोटी लाइट लगी हुई थी देन ही फाउंड द बिग ड्रोम वेर दे बिल्डिंग द रॉकेट और जब वो नीचे से होते हुए जा रहा था तब उसने क्या देखा बिग ड्रोम ड्रोम क्या है अ प्लेस फ्रॉम विच प्लेन और रॉकेट टेक ऑफ तो जो एक गड्ढा किया जाता है जमीन पर जहां से प्लेन टेक ऑफ करता है तो वहां पर उसने देखा एक बिग ड्रोम जहां से रॉकेट टेक ऑफ करता था शाइनी था कि उसकी नजरें नहीं हट रही थी वहां से अब थ्रू द ग्रेटिंग इन द फ्लोर दैट वॉज फॉर एयर सर्क्यूलेशन ऑज समथिंग और उसने कहां से देखा थ्रू द ग्रेटिंग इन द फ्लोर फ्लोर में ऐसे लोहे की सलाखें लगी हुई थी अ मेटल फ्रेम विथ बार्स अक्रॉस इट। तो मतलब जैसे नीचे से उसने देखा तो इस तरीके से जो है पूरा एक पूरा मेटल का प्लेट लगा हुआ था जिसके थ्रू उसने देखा और शायद वो एयर सर्कुलेशन के लिए था या किसी चीज के लिए था उसे पता नहीं था He did not know it was a moon rocket at first. पहले तो उसे ये भी नहीं पता था कि वो moon rocket है नॉट एंटिल हीट गॉन at it. तो जब उसने सबसे पहली बार देखा था तो, तो हिम्मत नहीं हुई फिर उसने एक बार हिम्मत करके देखा फिर वो बार बार वहाँ जाता था तब एक बार क्या हुआ एंड देन वन डे टू साइंटिस्ट केम वॉकिंग अलोंग दो साइंटिस्ट जो थे वॉक करते हुए आ रहे थे क्लोज टू वेयर ही स्टूड तो जहां वो खड़ा था जमीन के नीचे वहीं पे पास में आके वो दोनों खड़े हुए लेकिन उनको नहीं पता था नीचे कोई है वन ऑफ देम वॉज फादर और उनमें से एक कौन थे मिस्टर जेंडल मिस्टर केंडल उनके फादर उट टू हिम बट ही मतलब बॉबी ने जैसे अपने फादर को देखा तो वो आवाज देने वाला था बट देन ही कॉट हिमसेल्फ मतलब उसने अपने आप को रोका एंड जस्ट लिसन टू देम टिंग और सिर्फ वो उनकी बातें सुन रहा था लर्न द रॉकेट वॉज गोइंग टू द मून एंड इट वॉज फनी

अब उसको तीन दिन से एक सीक्रेट पता चल गया था वो सीक्रेट क्या था दैट आज फोर ओ क्लॉक पे द रूफ वुड ओपन ये जो छत है ये ओपन होगी एंड द ड्रोम दिस रॉकेट वुड बी टर्न इन टू अ ब्लास्ट पिट ये जो नीचे जो पूरा जो ड्रोम है ये पूरा जो है ब्लास्ट पिट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड द रॉकेट वुड बी शॉट कहां पे मून में उसको भेजा जाएगा Sure. तो उसे कंफर्म पता था मैन सेट वॉज गोइंग टू ऑन द फर्स्ट लेकिन दोनों दो में से किसी scientist ने ये नहीं बताया कि कौन जाने वाला है बटी फादर वु गो ही वु उसको ये पता था फादर तो जाएंगे ही जाएंगे उनको तो जाना ही पड़ेगा क्यों आफ्टर ऑल फादर वॉज द सेकेंड बिगेस्ट साइंटिस्ट एट बफेलो फ्लैट अब ये जो बफेलो फ्लैट था यहाँ पे उसके जो फादर थे वो सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट पे थे वो साइंटिस्ट थे सेकंड ओनली टू प्रोफेसर शलमा हिमसेल्फ हु वॉज वेरी ओल्ड एंड वु मेक द ट्रिप अब जो थे फर्स्ट जो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे वो थे प्रोफेसर शर्मा लेकिन वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थे और उनके बस की नहीं थी उधर जाके वापस आना इसीलिए अफकोर्स वो तो नहीं जा पाएंगे दैट लाइक फादर उसका इसके बाद फादर की ही चांस आती है देबेबली वॉज नॉट एनीबडी एल स्मार्ट इनफ टू गो ऑन दिस मिशन और उधर पे बॉबी के हिसाब से उसके फादर के अलावा कोई इतना स्मार्ट था ही नहीं कि उस मिशन पे जा पाए The idea of going himself had been born the previous day when he found a large grating in the floor near the rocket and realized that it was if he was very careful he could climb out the sewer and duck into the rocket when nobody was looking. Up. ये जो मून में जाने का आइडिया था ये कब आया उसको ये आया था पिछली रात को ही उसने सोचा ये जो पूरा जो डग था वो इजीली ओपन कर सकता था वो और जब कोई नहीं देख रहा होगा तो वो चुपचाप रॉकेट के अंदर जाके बैठ जाएगा वंस इनसाइड ही वॉज क्वाइट श्योर ही वुड फाइंड अ प्लेस टू हाइडिल ब्लास्ट ऑफ एक बार वो रॉकेट के अंदर चला गया तो उसको पता था वो एक ऐसी जगह देख लेगा जहाँ पे वो इजिली रॉकेट के अंदर बैठ जाए जब तक ब्लास्ट ना हो मतलब जब तक रॉकेट हवा में ना चला जाए थिंकिंग अबाउट इट ही हैड बिन स्केड पहले तो उसने सोचा बिना किसी को बताए जब वो रॉकेट के अंदर बैठ जाएगा तो उसको इस बारे में डर लगा बट आफ्टर ही रियलाइज हाउ प्राउड हिस्स पेरेंट वुड बी ही मेड अपड लेकिन बाद में जब उसने रियलाइज किया कि उस के पेरेंट्स कितने प्राउड होंगे उसके ऊपर कि वाह कितना करेजियस था हमारा बेटा जो रॉकेट में चला गया तब उसने सोचा नहीं मैं तो ये कर ही लेता हूं टेकिंग अ डीप ब्रेथ ही ओपन द ग्रेटिंग एंड गोट आउट सो अब फाइनली आज वो दिन है जब ये रॉकेट जो है स्पेस में जाने वाला था तो उसने धीरे से वो ग्रेटिंग को ओपन किया इट ओनली फोर स्टेप्स टू द ओपन पोर्ट ऑफ द रॉकेट इट टूक मतलब सिर्फ फोर स्टेप्स लगे उसको और वो ओपन पोर्ट में चला गया देव वॉज अ लिटिल जैम्प दे हैड यूज टू रोल थिंग्स इन अब रॉकेट में अंदर चीजें डालने के लिए उन्होंने एक छोटा सा जैम्प यूज किया था रैम्प मतलब ऐसा एक इंक्लिनेशन यूज़ किया था जिसमें चीजें वो रोल करके रॉकेट के अंदर डाल रहे थे

उसने देखा बहुत बड़े बड़े एल्यूमिनियम बैरल्स थे तो वो वहां पे जाके और सब सेम साइज के थे सो ही फाउंड अ स्पेस बिटवीन टू रोज एंड सेट डाउन एंड गॉथ हिज ब्रेथ बैक तो उसने क्या देखा इस तरीके से जो बैरल्स थे उसमें जो बीच में जगह थी वो वहां पे जाके बैठ गया एंड देन ही वाज लाइक थैंक गॉड अब आई एम सेफ बट ही सेट हेज लिप्स फर्मली वो वहां पर बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था इट वॉज कैरी क्वाइट और वो एकदम चुप रहा ही वॉज गोइंग टू द मून विद फादर वो अपने फादर के साथ मून पे जा रहा था जॉन कैंडल वॉज अ लिटल लेट दैट नाइट अब हम आते हैं रात की बात करते हैं तो जॉन कैंडल जो थे उस रात को थोड़ा लेट आए ही डिड यू सी द बिग स्काई रॉकेट तो उसने अपनी वाइफ से पूछा वेल मायरा तुमने वो बड़ा स्काई रॉकेट देखा हाउ आई मिस योर सपर इज इन दी ओवन उसने बोला मैं कैसे मिस करती चलो तुम्हारा खाना ओवन में रखा हुआ है जॉन ले बैक इन ईजी चेयर एंड क्लोज डिजाइस अब जॉन जो था वो इजी चेयर में बैठ गया उसने अपनी आँखें बंद करी वी हैड होप टू स्टेज स्टेजल सेरेमनी एट द लॉन्चिंग हमने सोचा था कि जब लॉन्च होगा तो थोड़ा सेरेमनी करेंगे बट वॉशिंगटन सेड नो लेकिन वॉशिंगटन ने मना कर दिया वॉशिंगटन सेट वॉशिंग क्या है द गवर्नमेंट ऑफ द यूएसए अब गवर्नमेंट थी उसने मना कर दिया ओके सो वॉशिंगटन क्योंकि वो कैपिटल है ऑफ द यूस एंड द सीट ऑफ गवर्नमेंट स्टैंड तो इसीलिए उसको वाशिंगटन को ही गवर्नमेंट कहा जाता है तो वॉशिंगटन सेट सिंपली लाइट द फ्यूज एंड फायर दस सिंपली जो है उसको जलाओ और उड़ा दो इज इट स्टिल बिग सीक्रेट तो उसकी वाइफ ने बोला क्या अभी भी एक बिग सीक्रेट है विच मैंट दैट मदर को तो पता था दैट ये मून ये जो रॉकेट है ये मून में जाने वाला है नो नॉट बिटवीन यू एंड मी एटलीस्ट मतलब हमारे बीच में तो कोई सीक्रेट नहीं है वी फायर्ड एन एक्सप्लोजन रॉकेट एट द मून They had fired an explosion rocket at the moon. Nobody was going to the moon. वो एक बम को भेज रहे थे मून में। It will hit in about an hour and telescopes will show a big purple spot where our explosive goes off and so die all over the place. तो ये जो है ये एक घंटे के अधान में ये जो uh, बॉम्ब है ये ब्लास्ट हो जाएगा और जहां ये ब्लास्ट होगा वहां पे एक बहुत बड़ा सा पर्पल स्पॉट आएगा और टेलीस्कोप वो बता देंगे कि कहाँ पे हुआ वो डाई जो है कलर छोड़ेगा वो हर जगह आई सी लॉर्ड्स ऑफ फन नो डाउट बट व्हाट द पर्पज फोर्थ ऑफ जुलाई ऑन द मून उसने बोला आई सी ठीक है बड़ा मजा आ रहा है लेकिन इस चीज का मतलब क्या है फोर्थ ऑफ जुलाई मून में जाने वाले हो सो फोर्थ ऑफ जुलाई इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूएसए Oh no! If the experiment is a success, the next rocket will carry men instead of a bomb. उसने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। Basically ये है कि अगर ये experiment हमारा successful हुआ तो next rocket में हम moon को भेजेंगे। Sorry हम humans को भेजेंगे। Maya went to the kitchen to see about the supper. She said okay और वो अपना dinner देखने के लिए चली गई। John called. Where is Bobby? In bed I suppose? ने बोला Bobby कहाँ है? शायद सो रहा होगा।

बेड के एज में बैठ गए उन्होंने अपने बच्चे के बाल टसल किए मतलब ऐसे जो बिखरा देते हैं ना वैसा किया नो सन इट्स का मतलब होता है लैंड रादर देन सी और उसने बोला ये तो मेरे लिए पुरानी चीज है और तुमने रॉकेट ब्लास्ट देखा इट वॉज रियली समथिंग इट टू द मून डेंट इट उसने बोला हाँ

तो उसने बोला कि थैंक गॉड डैड आप नहीं गए अगर आप नहीं गए तो मैं खुश हूं कि मैं भी नहीं गया उसने बोला यू आर प्लानिंग टू मेक द ट्रिप टू तुम उस रॉकेट में जाने वाले थे आ हाँ आई गॉट इनटू द रॉकेट एंड वाज ऑल सेट बट आई गोट टू थिंक अबाउट मॉम हाउ वन ऑफ अस शुड स्टे एंड टेक केयर ऑफ अर इन केस एनीथिंग सो so बॉबी ने बोला हां मैं गया था रॉकेट के अंदर और फिर लेकिन मुझे लगा कि अगर आप भी चले जाओगे और मैं भी चला जाऊंगा तो मॉम का ख्याल कौन रखेगा कोई तो होना चाहिए इसलिए मैं वापस आ गया स्मार्ट थिंकिंग सन नाउ यू गेट टू स्लीप तो उसने बोला बहुत अच्छी बात है वेरी गुड अब तुम सो जाओ आई विल हैव लिटिल टाइम टू विल प्ले सम बॉल मेरे पास कल थोड़ा टाइम रहेगा हम लोग बॉल से खेलेंगे

यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि उनको जो है थोड़े पुराने बोर्ड दे दो और एक व्हील दे दो और वो तो एक शिप बना देंगे मून तक जाने के लिए अ वंडरफुल ड्रीम वर्ल्ड दे इन क्या वंडरफुल ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं बच्चे बट जॉन को ये कोई आइडिया नहीं था दैट ही एक्चुअली वेंट इन टू द स्पेस शटल जो बॉबी था वो लिटरली उस रॉकेट में गया था जहां उसे लग रहा था उसके फादर जा रहे थे वेर एक्चुअली दे वर सेंडिंग अगर बॉबी वापस नहीं आता तो ही वुड हैव डाइड And too bad they had to grow out of it. So, John had so much imagination But he had no idea that John's son Bobby actually went into that space rocket. But he literally came back. And then because he was thinking his father was going, but whatever happens, happens for good. So let's begin. The first question that we have in here is: I think I'll go to the moon today. ट so, कॉन्टेक्सट किसने कहा था ये ये बॉबी ने कहा था अपनी मदर से सो बॉबी सेट दिसर वेन शी आज हेम हिस्स प्लान फॉर द डे कौन से कॉन्टेक्स में कहा था जब उसकी मदर ने पूछा सो यंग मैन वट आर योर प्लान फॉर द डे तब उसने कहा था आई थिंक आई गो टू मून टूडे सो यू विल सिंपली राइट बॉबी सेट दिस टू हिज मदर वेन शी आज हेम हिज प्लान फॉर द डे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वॉज मदर ने क्या समझा इसको जब उन्होंने कहा कि मैं अबाउट गोइंग टू मून इन हिज टॉय रॉकेट हेज शी टुक हिज रिस्पॉन्स जोकिंगली सो बॉबी की मदर को लगा कि वो जो बोल रहा है कि आज वो मून पे जाएगा वो अपने टॉय रॉकेट की बात कर रहा है तो उन्होंने उसको मजाक में लिया जोकिंगली लिया Did the speaker द स्पीकर second meaning मीनिंग इन माइंड इफ सो was that दैट मीनिंग the द स्पीकर हु इज द स्पीकर बॉबी बॉबी के दिमाग में कोई second मीनिंग था क्या सो यस द स्पीकर बॉबी हैव अ सेकेंड मीनिंग इन माइंड व्हेन ही सेड दिस उसके दिमाग में एक दूसरा मतलब था जब उन्होंने ये कहा था बॉबी हैड एक्चुअली प्लान ऑफ गोइंग ऑन मून अलॉन्ग फादर इन अ रियल रॉकेट बॉबी ने एक्चुअली प्लान किया था कि वो अपने फादर के साथ एक रियल रॉकेट में मून पे जाएगा एंड डिसाइडेड टू गिव अंट टू हिज मदर थ्रो दिस स्टेटमेंट और उसने सोचा वो अपने मदर को एक हिंट देगा बाय से दिस स्टेटमेंट

तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड ही उसने सिर्फ क्या किया था एक दो स्क्रूस यहाँ टाइट किए यहाँ वहाँ हैमर किए जस्ट अपनी मदर को ये बताने के लिए दैट ही इज बिजी विथ हिज ओन रॉकेट न यू टेल एंड वॉट वॉज द रीजन द रीजन वॉज दैट अपनी मदर को जो था विध टू सीट एंड अं नीट इंस्ट्रूमेंट पैनल तो उसकी जो खुद का जो उसका रॉकेट था वो सिक्स फीट लंबा था उसमें दो सीट थी बैठने की एंड इट हैड नीट इंस्ट्रूमेंट पैनल नो ही डिड नॉट स्पेंड टाइम ऑन स्पेस वॉक इट विथ मच ऑफ इंटरेस्ट एज ही वॉज जस्ट फसिंग अराउंड इट अंटिल ही वॉज एबल टू स्लिप अवे विदाउट हिज मदर नोटिसिंग हिम अब यह आंसर बहुत सिंपल है कि नहीं उसने उस पर कोई भी टाइम जो था विद इंटरेस्ट स्पेंड नहीं किया था ही वॉज ओनली फसिंग अराउंड इट मतलब वो सिर्फ उस पर टाइम पास कर रहा था अनटिल जब तक ही वॉज एबल टू स्लिप अवे मतलब वो वहां से जो है निकल जाए स्लिप अवे मतलब जो है बिना किसी को बताए निकल जाए विदाउट हिज मदर नोटिसिंग हिम मतलब जब उसकी मदर नोटिस नहीं कर रही हो वो वहां से बस खिसकना चाहता था He was not interested in his rocket as he had already planned of going to moon in a real rocket that morning. उस वक्त उसको अपने रॉकेट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज दैट मॉर्निंग ही हैड ऑलरेडी प्लान दैट वो रियल रॉकेट में मून पे जाने वाला है एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट और वो उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड बॉबी केम कम टू नो what द रॉकेट was फॉर एंड when इट was गोइंग टू गो ऑफ रॉकी बॉबी को कैसे पता चला कि ये जो rocket है ये कहाँ जाने वाला है और कब जाने वाला है डिड he also कम टू नो दैट his फादर was गोइंग ऑन इट क्या उसको ये भी पता चला कि उसके फादर जा रहे थे इफ नॉट what मेड हिम बिलीव दैट फादर was गोइंग टू नाउ इसमें आपके पास अगेन three questions हैं. कि बॉबी को कैसे पता चला कि रॉकेट कब और कहा जाने वाला है तो द फर्स्ट आंसर वुड बी बॉबी अब इसमें एक और जो क्वेश्चन है कि कि क्या उसको लगा था बॉबी के फादर भी जाने वाले नहीं बिल्कुल भी नहीं उसने सिर्फ ये अज्यूम किया था तो बॉबी डिड नॉट नो दैट इट वाज अ मून रॉकेट बॉबी को पता ही नहीं था कि वो एक मून रॉकेट है हाउ वन डे व्हेन ही वाज स्पीकिंग एट द रॉकेट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस So, यहाँ पे क्या है कि एक दिन क्या हुआ जब अपनी वो हाइडिंग प्लेस जहाँ वो छुपा करता था वहाँ से जब वो रॉकेट को देख रहा था ही हर्ड हिज फादर एंड वन अनदर साइंटिस्ट डिस्कसिंग दैट द रॉकेट वॉज गोइंग ऑन मून तब उसने अपने फादर को और वो एक और साइंटिस्ट से बात कर रहे थे उनका डिस्कशन सुना दैट ये जो रॉकेट है ये मून पे जा रहा है ही कुड नॉट अंडरस्टैंड देयर conversation completely एज दे were स्पीकिंग इन लो वॉइस अब उसको जो है पूरा कॉन्वर्सेशन अच्छे से समझ में नहीं आया क्योंकि वो लोग बहुत हस्त वॉइस में लो वॉइस में बातें कर रहे थे। As Bobby's father was the अब ये जो है ये आप गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि कैसे उसको पता चला कि ये जो रॉकेट है वो कहाँ जाता है और कब जाता है? अब as Bobby's father was the second biggest scientist of the Buffalo Flats. अब जो बॉबी के जो फादर थे वो सेकेंड बिगेस्ट साइंटिस्ट थे बफेलो फ्लैट्स में एंड सिंस द टॉप मोस्ट साइंटिस्ट वॉज टू ओल्ड टू गो ऑन दिस मिशन और जो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट थे जो मिस्टर शर्मा वो बहुत ज्यादा बूढ़े थे इस मिशन में जाने के लिए बॉबी अज्यूम दैट इज फादर वो डेफिनेटली यू नो वो डेफिनेटली गो ऑन दिस मिशन टू मून तो बॉबी ने अज्यूम किया कि उसके जो फादर हैं वो डेफिनेटली इस मिशन में जाएंगे तो ये हो गया आपके सेकेंड पार्ट का आंसर ओके, okay? नाउ, अब हो गए आते हैं हम यहाँ क्वेश्चन है ट्वेंटी सिक्स पैराग्राफ में हम देखते हैं कि वो जो है वो रॉकेट में एल्यूमिनियम बैरल के बीच में जाके बैठ गया है लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो अपने अपने मतलब वो रॉकेट में है नहीं वो तो घर पे है तो ऐसा क्यों होता है कब होता है वी कैन सी बॉबी लाइंग इन इज बेड एट नाइट up ही a वोकन touch ऑफ his फादर हमने देखा कि बॉबी जो है रात में अपने बेड पे ही लेटा हुआ था जब उसके फादर ने उसे उठाया

कि उसकी जो मदर है वो एकदम अलोन हो जाएगी अगर वो दोनों के दोनों उसके फादर और वो मून पे चले गए इसीलिए वो वहां से बाहर आ गया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई गॉट इन टू द रॉकेट एंड वॉज ऑल सेट हुट दिस टू एंड वेन सो दिस इज बॉबी सेट टू हिस्सा उन्होंने अगर वो भी प्लान कर रहा था क्या मून पे जाने का तब बॉबी ने ये चीज उनसे कही थी वॉट वॉज में स्पीकर यहाँ पे जब उसने कहा था कि मैं मून में आने वाला था एनऑल तो द स्पीकर कौन है स्पीकर Bobby, the speaker Bobby, meant that he had actually planned of traveling to moon by getting into the real rocket. वो यहाँ पे सच बता रहा था कि उसने सोचा था वो real rocket में जाके moon पे चला जाएगा. What was understood by the listener? Listener ने क्या सोचा? Listener ने assume किया कि Bobby अपने toy के बारे में बात कर रहा है. He was referring to his toy so bobby's father however assumed that bobby was referring to his toy rocket and his imaginary mission to the moon traveling in the same rocket or imagine bobby same rocket travel karega now this was what the speaker uh, listener understood children were wonderful what a wonderful dream world they lived in हु थाट दिस एंड वाई किसने सोचा था ये ये सोचा था बॉबी के फादर ने बिकॉज उनको लगा कि बॉबी जो है अपने इमेजिनेट इमेजनरी वर्ल्ड में है जहाँ वो सोच रहा है वो अपने ये जो चाइल्ड रॉकेट में बैठ के मून पे चला जाएगा एन ऑल सो बॉबीज फादर जॉन कैंडल थॉट दिस वेन बॉबी टोल्ड हिम दैट ही प्लान ऑफ ट्रेवलिंग टू द मून इन अ रॉकेट बॉबी के फादर ने ये चीज सोची थी जब बॉबी ने उन्हें बताया कि वो प्लान कर रहा था मून में जाने के लिए बाई ट्रेवलिंग इन द रॉकेट Although Bobby was thinking about traveling to the moon in a real rocket. बॉबी जो है एक रियल रॉकेट में ट्रैवल करने के बारे में सोच रहा था हाउ एवर हिज फादर थॉट ऑफ बॉबीज टॉय रॉकेट एंड हिज इमेजिनरी मिशन ऑफ ट्रैवलिंग टू मून लेकिन बॉबी के फादर को लगा वो अपने टॉय रॉकेट के बारे में बात कर रहा है और उसके इमेजिनरी मिशन के बारे में बात कर रहा है ऑफ ट्रैवलिंग टू मून विच अकॉर्डिंग टू हिम वॉज अ वंडरफुल थॉट ऑफ हिस्स ड्रीम वर्ल्ड जो उसके फादर को लगा कि वो अपने ड्रीम वर्ल्ड का एक ब्यूटिफुल सा थॉट डिस्कस कर रहा है In this situation, who thought that he is wiser, the grown up or the child? डिड ही रियली हैव द फुलर एंड बेटरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन इस पूरी सिचुएशन में कौन ज्यादा समझदार निकला जो बच्चा था वो या जो ग्रोन अप था इन दिसन दोन अपट इज बॉबीज बॉबी के फादर को लगा वो ज्यादा समझदार है हाउ एवर ही डिड नॉट है फुलर एंड द बेटरस्टैंडिंग ऑफ द एक्चुअल सिचुएशन एज ही वॉज नॉट अवेयर दैट बॉबी वॉज एक्चुअली इन रियल रॉकेट क्योंकि उनको फुल अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं रियल सिचुएशन क्योंकि उन्हें यही नहीं पता था कि बॉबी एक एक्चुअल रॉकेट में बैठ के आया है एंड वाज अबाउट टू फ्लाई टू मून एंड डाउन जस्ट एट द लास्ट मिनट करने वाला था और वो पे वापस आ गया. तो अब ये उन्हें पता ही नहीं था इसीलिए उनको सिचुएशन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग थी नहीं लेकिन उन्हें लगा वो ज्यादा समझदार है so

और मैं बोलूंगी दे डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक और मैं बोलूंगी ही डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक शी डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक तो आप या फिर शी टू टॉक तो यहाँ पे कहीं पे भी टू टॉक का फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है इसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव और ये जो नेक्स्ट है स्केर्ड ही हैड बीन वो डरा हुआ था शी वॉज या पर्सन चेंज करो इसका भी फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है ये है पार्टिसिपल फॉर्म इसको बोलते हैं पार्टिसिपल फॉर्म देन यू हैव बॉबी ड्रीम्स ऑफ समथिंग नाउ हियर फ्लाइंग इज नॉट एक्टिंग लाइक अ वर्ब इट इज एक्टिंग लाइक अ नाउन और ये हो जाता है इसे हम कहते हैं जेरंड्स तो ये सारे क्या होते हैं ये होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स अब यहां पे देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इंफिनिटिव्स की सो so, एक होता है बेयर इंफिनिटिव और एक होता है टू इंफिनिटिव अब यहाँ जब हम इंफिनेटिव भी बोलते हैं इन्फिनेटिव की हम बेसिक डेफिनेशन बताते हैं टू और बेस फॉर्म आई लाइक टू प्ले शी लाइक्स टू टॉक तो टू और बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होता है उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं एक होता है बेड इंफिनेटिव जैसे कि फॉलोज हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब आई डू हेल्प हिम एवरी डे अब यहाँ पे जैसे दिखा आई डू हेल्प हिम एवरी डे मैं करता हूं उसकी हेल्प सो आई डू हेल्प यहां पे हेल्प का फॉर्म चेंज नहीं होगा क्योंकि वर्ब जो है उसके पहले लगाया है हमने इसको बोलते हैं बेर इंफिटिव फॉर्म सिमिलरली इट फॉलोज अल्शनरी वर्ब आई मस्ट हेल्प हिम आप ये भी कर सकते हो आई मस्ट हेल्प हिम शी मस्ट हेल्प हिम दे मस्ट हेल्प हिम यहाँ पे भी आपके वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है तो मॉडल के बाद अगर आप यूज करते हो उसे भी बेर इन्फिनेटिव कहते हैं

टू के बाद हमेशा मेन वर्ब आता है वो भी सिंपल फॉर्म में जैसे कि वी वॉन्ट टू सी द वॉटरफॉल कैन बी यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू वर्क आउट जैसे कि टू पेंट इज अ ब्यूटिफुल हॉबी टू डांस इज अ वंडरफुल हॉबी तो यहां पे ये सब्जेक्ट की तरह भी एक्ट करता है कैन बी यूज एज अम कॉम्प्लीमेंट इट इज अ लिटिल रिस्की टू वर्क आउट टू मच अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की तरह भी बात कर सकता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब इट इज रिस्की टू डू वॉट ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है टू वर्क अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पे कंबाइन दीज सेंटेंसेस यूजिंग द इन्फिनेटिव अब जैसे ये दो सेंटेंस दिए हैं इनको इन्फिनेटिव को यूज करके कंबाइन करना है जैसे यहां पे दिया है यू बोट डिस्कस अग्री ऑन अ टॉपिक तो डिस्कस सो दैट यू कैन अग्री ऑन अ टॉपिक डिस्कस सो दैट यू कैन कैन के बाद हमने मॉडल के बाद हमने यूज किया है हमारा वर्ब अग्री ऑन अ टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम इन हरी आई एम टेकिंग बस टू बैंगलोर अब आप यहाँ पे two infinitive use कर सकते हो आप बोलोगे बैंगलोर लाइब्रेरी शी पेरेंट्स अब यहाँ पे भी हम टू इन यूज करेंगे उसने लाइब्रेरी विजिट करी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए बुक्स खरीदने के लिए नेक्स्ट इज ही वॉज वेरी काइंड ही गेव अप हिज सीट फॉर मी तो आप क्या बोलोगे इसको ही वॉज वेरी काइंड टू गिव अप हिज सीट फॉर मी मतलब टू गिव अप मतलब दे देना आई मस्ट टेल यू द ट्रूथ आई डोंट लाइक लॉन्ग रोट जर्नीज यू मस्ट नो दैट आई डो नॉट लाइक लॉन्ग जर्नीज अब यहाँ पे हमने मस्ट यूज किया है उसके बाद हमने वर्ब का सिंपल फॉर्म यूज किया है अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अनदर फॉर्म इज पार्टिसिपल जहां पे आप या तो ई या तो ई या तो आई फॉर्म यूज करते हो थर्ड फॉर्म यूज करते हो ठीक है लाइक बॉबी वेटेड इन साइड द रॉकेट हाइडिंग बिहाइंड सम बॉबी वेंट टू स्लीप टायर्ड बट हैप्पी तो यहां पे अब आपको देखो यहां पे हम आते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आई एन जी फॉर्म जैसे कुकिंग वॉचिंग ट्रेवलिंग अब यहाँ पे है हेल्प फॉर्म फ्रेजेस टू ज्वाइन सेंटेंसेस आई हैव लर्न सो मच अबाउट आवर कल्चर ट्रैवलिंग टू मेनी प्लेसेस इन इंडिया तो जब आप वर्ब का आई एन जी फॉर्म यूज करते हो एज अ पार्टिसिपल तो ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में हेल्प करता है उसके अलावा ये एडजेक्टिव की तरह यूज करता है फॉर एग्जाम्पल स्माइलिंग डॉल और डांसिंग डॉल बॉइलिंग वाटर तो ये सब जो है डॉल को वाटर को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स हैं तो ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है अब आते हैं पास्ट पार्टिसिपल की बात करनी तो रेग्युलर वर्ब्स में जब ईडी या ई एन लगा देते हो तब वो ईडी फॉर्म में पार्टिसिपल फॉर्म में आ जाता है इन रेग्युलर वर्ब्स में आपको ई एन लगाना होता है एन टी लगाना होता है बेसिकली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है इसमें भी आपको फ्रेजेस ज्वाइन करने में हेल्प करता है और ये एडजेक्टिव की तरह हेल्प करता है लार्जली यूज इन द प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे ज्यादा यूज होता है अब यहां पे हमें ये सारे सेंटेंसेस में पार्टिसिपल वर्ब्स बताने थे तो इट इज वेरी इजी वी सॉ फ्लॉक ऑफ फ्लेमिंगोस

अब हम आते हैं जेरेंस में वी हैव लर्न दैट द जेरेंड इज ऑल्सो अ नॉन फाइनाइट वर्ब हमें पता है जेरिन जो है वो नाउन की तरह एक्ट करता है और वो जो है नाउन या नाउन फ्रेज को रिप्लेस करता है जैसे कि बॉबी इज नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट इन ईटिंग ही इज टू एक्साइटेड सो बॉबी इज नॉट इंटरेस्टेड इन ईटिंग ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग वॉट इज दैट समथिंग ईटिंग और यहाँ ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है तो जेरिन जो होता है वो आपको एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट करता है या ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है देखो सब्जेक्ट की तरह ब्राउजिंग ब्राउजिंग, टाइम डेज़। तो ये एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट कर रहा है दे एंजॉय फ्रूट पिकिंग तो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे इंजॉय समथिंग एंजॉय वॉट

डिफरेंट गुड फॉर लैंग्वेजेस पर्सनल लर्निंग डेवलपमेंट इज इसका आंसर क्या हो जाएगा लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गुड फॉर पर्सनल डेवलपमेंट अगेन यहाँ पे लर्निंग क्या है एक चैलेंड है नेक्स्ट इज ग्रेट फन आइस स्केटिंग एट इंडियोर इज टू डू इसका आंसर क्या हो जाएगा इट इज ग्रेट फन टू डू आइस स्केटिंग सो यहाँ पे आइस स्केटिंग किसकी तरह एक्ट कर रहा है कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट कर रहा है समर कैंप फ्रॉम स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग ऑल द बेनिफिट विल द इन तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स विल बेनिफिट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन समर कैंप दे विल बेनिफिट फ्रॉम वॉट पार्टिसिपेटिंग इन समर कैंप ओके नेक्स्ट इज बोर्ड आर विद एक्सरसाइजिंग विद डे नाइट एंड तो इसका हो जाएगा वी आर बोर्ड विद एक्सरसाइजिंग डे एंड नाइट लास्ट इज यंग चिल्ड्रन करियर इज फुलफिलिंग अ टीचिंग तो आपका हो जाएगा टीचिंग यंग चिल्ड्रन इज अ फुलफिलिंग करियर ओके अब है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ दीज प्लेस एज यूज इन द टेक्स्ट अब जैसे है स्लिप अवे मैंने ये आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बताया था स्लिप अवे मतलब कल्टी में निकल जाना तो इसका आंसर होगा एस्केप क्वाइटली स्लिप अवे का आंसर क्या हो जाएगा एस्केप क्वाइटली नेक्स्ट इज चाइल्ड स्टफ जैसे कि उनका जो रॉकेट था वो चाइल्ड स्टफ था मतलब इट इज यू नो बिलोंगिंग टू अ चाइल्ड और सिंपल एज सुबल फॉर चिल्ड्रन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहां पे जो चिल्ड्रन के लिए सही है जरूरी नहीं बिलोंगिंग टू अ चाइल्ड इसका हो जाएगा सुटेबल फॉर चिल्ड्रन चाइल्ड स्टफ इन टू वो अपने फ्रेंड्स के मतलब ही ही वो डिड नॉट टू हिज फ्रेंड्स मतलब मीट विदाउट प्लानिंग टू वो डिड नॉट वॉन्ट टू मीट हिज डक डाउन मतलब होता है झुकना Duck एंटर मतलब होता है झुक जाना नेक्स्ट इज कॉट हिमसेल्फ जैसे उसने अपने फादर को देखा वो आवाज देने वाला था बट तभी उसने अपने आप को रोक लिया इसका मतलब स्टॉप हिमसेल्फ ऑन टाइम इन टाइम मतलब समय पे रोक लिया ग्रो आउट ऑफ यू नो कैसे हम लोगों को वी हैव टू ग्रो आउट ऑफ आर इमेजिनेशन मतलब वी हैव टू बिकम टू मेच्योर टू थिंक समथिंग

दॉट ऑफ मार्च पास प्रैक्टिस इन द ब्लेजिंग सन इज इंपॉसिबल टू डील विथ इसका हो जाएगा द थॉट ऑफ मार्च पास प्रैक्टिस इन द ब्लेजिंग सन इज टू मच टू बियर सहन करने के लिए बहुत ज्यादा है आफ्टर रनिंगउन द पार्क ट्वाइस उन फॉर अस्ट उसने पार्क के दो चक्कर लगाए फिर थोड़ी देर सांस लेने के लिए बैठ गई तो अपन इसको क्या बोलेंगे वापस सांस लेने के लिए basically relax करने के लिए okay? Pause and calm down। I tell myself whenever I feel too angry or nervous। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा Take a deep breath. आई टेल माई सेल्फ वेन एवर आई फील टू एंग्री और नर्वस पॉज एंड काम डाउन को हम बोल सकते हैं टेक अ डीप ब्रेथ देन अम्म्यू शुड मैं फिल्म बट इट शुड नॉट टेल द होल स्टोरी एंड सो स्पॉइल द सरप्राइज जो फिल्म का रिव्यू होता है उसको सब्जेक्ट मैंशन करना चाहिए कि किस बारे में है मूवी लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि पूरा को पूरा बता दिया कि उस मूवी में क्या हो रहा था अदरवाइज पूरा तो स्पॉइल हो जाएगा उसका सस्पेंस तो क्या होगा अ फिल्म रिव्यू शुड मैंशन द सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म ओके फिल्म बट इट शुड नॉट गिव टू मच अवे टू गिव समिंग टू गिव टू मच अवेल अ लॉट सो इट शुड नॉट गिव अवे एंड स्पोईलियर सो पहले हम पढ़ेंगे उनके बारे में कुछ एंड स्टार्ट विद्यम शेक्सपियर इज कंसिडर्ड द्ले राइट ऑफ ऑल टाइम बेसिकली वॉज वन ऑफ द बेस्ट वी नो दिस द प्लेस ही रोट मोर देन फोर हंड्रेड ईयर्स अगो डोमिनेट द वर्ल्ड थिएटर इवन टूडे ना दिस लाइन मीन्स कि इन्होंने जो चार सौ साल पहले जो इन्होंने पोम्स मतलब प्लेस लिखे थे आज भी उनको इनेक्ट किया जाता है आज भी थिएटर में सबसे ज्यादा उन्हीं उन्हीं प्लेस को जो है रिकमेंड किया जाता है इक्वली इम्प्रेसिव इज द कलेक्शन ऑफ हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर सोनेट्स ही रोड उन्होंने हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर सोनेट्स लिखे थे एंड वो भी उतने ही इम्प्रेसिव हैं ही यूज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोनेट विच हैज कम टू बी नोन एज द शेक्सपीरियंस सोनेट अब शेक्सपीयर सर का राइटिंग स्टाइल भी अलग था तो ऑब्वियसली ये जो पोम्स लिखते थे उनका भी स्टाइल अलग था तो उनका जो स्टाइल हुआ उसको शेक्सपीरियन स्टाइल कहा गया

प्लस इनके जो पोम है इसमें हर तरीके के इमोशन को डिस्क्राइब किया जाता है पेन डेथ डिजायर विजडम हैप्पीनेस एक्सेट्रा द पोम फ्रेंड्स एंड फ्लैटरस टेल्स अस दैट आर ट्रू फ्रेंड्स आर नॉट दो बट दोज हुई नीड और ग्रीफ सो इस पोम के थ्रू द पोएट वॉन्स टू टेल अस द डिफरेंस बिटवीन फ्रेंड्स एंड फ्लैटर्स फ्रेंड्स वो नहीं होते जो आपके अच्छे वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं आपकी तारीफ करते हैं आपको झाड़ पे चढ़ा देते हैं चने के झाड़ पे लेकिन वो होते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं जो आपको बताते हैं कि ठीक है बुरा वक्त आया है ना चला जाएगा हम हैं ना तुम्हारे साथ तुम अकेले नहीं हो सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पोम Has stanza ke baad, I'm going to tell you the explanation and then we will start with the summary, poetic devices, structure, and etc. So let's begin. Everyone that flatters thee is no friend in misery. Words are easy like the wind. Faithful friends are hard to find. every one that flatters thee हर कोई जो तुमको जो है लुभाता है thee मतलब यू एंड फ्लैटर्स मतलब प्रेजेस समवन हाईली बट नॉट सincerely फ्लैटर्स मतलब अरे बड़ी तारीफ करता है आपकी लेकिन sincerely नहीं करता सिर्फ आपको खुश करने के लिए कहता है सो एवरीवन दैट फ्लैटर्स thee हर कोई जो तुम्हारी बहुत तारीफ करता है इज नो फ्रेंड इन मिजरी वो तुम्हारे दुख में कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा मिजरी का मतलब क्या होता है तुम्हारे पेन में वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं रहेगा वर्ड्स आर इजी लाइक द विंड वर्ड्स जो हैं बोलने में कितने आसान होते हैं मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा ये सारे वर्ड्स तो बोलने में बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं लाइक द विंड मतलब दे आर लाइट मूविंग फ्रीली एंड चेंजिंग डायरेक्शन इजीली एज द विंड कभी भी बदल जाते हैं फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड लेकिन जो फेथफुल फ्रेंड्स होते हैं जिन पे आप विश्वास कर सकते हो वो आसानी से नहीं मिलते सो द फर्स्ट टें स्टार्ट विद एंड एडवा टू जो फर्स्ट टा है उसमें एक एडवाइस दे रहे हैं पोइट जो हर किसी पे बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं द पोइट से पोइट बता रहे हैं जो आपके अच्छे वक्त में आपको सपोर्ट कर रहा है अपना प्यार दे रहा है वो मुश्किल वक्त में आपके साथ नहीं खड़ा होगा स्पीकिंग फ्लावरी वर्ड्स आर इजी लाइक वेन बट दे आर सरपेंट अंडर देअ स्वीट टंग जो आप ऐसे जो मीठी मीठी बातें करते हो वो बोलना बहुत आसान है वो तो हवा की तरह होती है कभी इस डायरेक्शन में कभी उस डायरेक्शन में बट दे आर सर्पेंट लेकिन वो एक सांप की तरह होते हैं अपनी मीठी जुबान के नीचे जो आपको कभी भी पिंच करके जा सकते हैं इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड फेथफुल फ्रेंड्स इन लाइफ ऐसे दोस्त जो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे जो हमेशा आपके लिए फेथफुल रहेंगे वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं

ओके सो वाइल दाउ दाउ हैज मतलब यू हैव वे विथ का मतलब होता है द मीन्स ऑफ रिसोर्सेज टू डू समथिंग सच इज मनी जब तक मतलब वाइल यू हैव एवरी थिंग टू स्पेंड जब तक तुम्हारे पास अच्छा टाइम है बिताने के लिए जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं स्पेंड करने के लिए जब तक तुम खुश हो जब तुम स्माइल स्प्रेड कर रहे हो हर इंसान तुम्हारा दोस्त होगा जब तक तुम्हारे पास मनी है पैसे हैं बट इफ स्टोर ऑफ crowns बी स्कैंड स्टोर ऑफ क्राउन बी स्कैंड स्टोर ऑफ क्राउन इसका मतलब क्या है द सप्लाई और स्टॉक ऑफ स्पेंड्स मनी इज लिटिल स्टोर ऑफ क्राउन्स मतलब जो आपके जैसे राजा होता है जिसके पास पैसा होता है उसके पास क्राउन होता है लेकिन अगर ये जो क्राउन का जो स्टोर है वो कम हो गया मतलब अगर तुम्हारे पास पैसे कम हो गए नो मैंशन सप्लाई दई वॉन्ट कोई तुम्हें वो नहीं देगा जो तुम चाहते हो द आई वॉन्ट मतलब योर वॉन्ट्स

तुम, हाँ, तुम अगर बहुत एक्सपेंसिव दोगे तो लोग तुम्हें अपने बर्थडे पे बुलाना चाहेंगे सो so, कब तक तुम्हारी कंपेनियनशिप को इंजॉय करेंगे जब तक तुम्हारे पास पैसा है बट दे विल लीव यू वेन वन फेसिस हार्डशिप्स। लेकिन जब तुम जो है किसी मुश्किल में आ जाओगे शायद तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं होंगे अगर मान लो आपके पास कभी बहुत पैसे थे लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया ऑल योर मनी एंड यू आर लेफ्ट विथ नथिंग तो जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहेगा वो तो आपका दोस्त है लेकिन जो झूठे दोस्त होंगे वो आपको अकेला छोड़ के चले जाएंगे वो आपको वापस संभलने में हेल्प नहीं करेंगे दे विल नॉट लेट यू स्टैंड अगेन दिस इज एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर ईच एंड एवरी वन हु ट्रस्ट हेज अव हर फ्रेंड और ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है क्योंकि हम हंड्रेड परसेंट फेथ के साथ किसी से दोस्ती करते हैं लेकिन अगर वो दोस्त आपका उस लायक ही नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं लेकिन सब ऐसे नहीं होते ना सब बुरे होते हैं ना सब अच्छे होते हैं और अगर आप अच्छे तो आपके लिए हर कोई अच्छा लेकिन एक चीज़ का ख्याल हमेशा रखना चाहिए आप भरोसा किस पर कर रहे हो क्योंकि भरोसा जब टूटता है तब तकलीफ बहुत ज्यादा होती है If that one be prodigal, bountiful they will him call, and with such like flattering pity, but he were a king. का मतलब क्या होता है? lot ऑफ मनी फ्रीली और इवन वेस्टफुली जिसके पास बहुत पैसा होता है इफ दैट वन बी प्रोडिकल कॉल Bountiful मतलब जेनरस एंड लार्ज हार्टेड वो लोग उसे बोलेंगे अरे तुम्हारा दिल कितना बड़ा है अरे तुम तो कितने ज्यादा उदार हो एंड सच लाइक फ्लैटरिंग और ऐसे शब्दों से ऐसी फ्लैटरिंग से सच लाइक फ्लैटरिंग मतलब फ्लैटरी सच एज ंग क्या बोलेंगे वो तुम्हें अरे यार तुम तो राजा की तरह हो क्या गलत बात है की तुम राजा नहीं हो द पोएट इन देंस अबाउट दर्ल्ड वेर वी कैन सी पीपल टू फ्रेंड्स टू दोनमेंट जो लोग बोलते हैं चलो मूवी देखने चलते हैं अरे चलो आज मैं तुम लोगों को यहां लेके चलता हूं आज मेरी गाड़ी में चलेंगे बोलते हैं यार तुम तो राजा की तरह जिंदगी जीते हो तुम्हें तो राजा होना चाहिए दे प्रेज़ देम एंड रेस्पेक्ट देम एज किंग एकदम किंग की तरह लेते हैं क्यों कोई नहीं लेगा आपको कोई लेके जा रहा है कोई खिला रहा है कोई घुमा रहा है आपको क्यों बुरा लगेगा बट वंस दे लूज देर वेल्थ फ्रेंड्स वुड शो ट्रू नेचर लेकिन अगर एक बार आपके पैसे खत्म हो गए तो जो ये जो झूठे दोस्त होते हैं वो अपना सही नेचर दिखा देंगे दे अवॉइड एंड गो अवे फ्रॉम हिम लिविंग हिम अलोन टू हिज पॉवर्टी तब वो उसका साथ नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे वो उसको अकेला छोड़ देंगे उसकी गरीबी के साथ उस वक्त वो उसको हेल्प नहीं करेंगे कि वापस वो जो है उसको स्ट्रेंथ दें कि खड़े हो जाओ वापस जो है अपना वो जो खोया हुआ पूरा पैसा उसको तुम वापस लेके आ पाओ नहीं वो सिर्फ छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि उनके लिए तो आपको टाइम वेस्ट हुआ But if fortune wants to frown, then farewell is great his great renown. They that fawned on him before use his company no more. सब यहाँ पे वही कह रहे हैं, लेकिन एक बार अगर तुम्हारी जो पूरी फॉर्च्यून, तुम्हारा पूरा पैसा wants to frown, मतलब as soon as a person begins to lose money or becomes unlucky, जैसे आपका पूरा पैसा चला जाएगा, then farewell his great renown. तो इसका मतलब क्या है? हैज लॉस्ट मनी इज नॉट वांटेड बाय हिज फ्रेंड्स एनी मोर जैसे आपका पूरा पैसा चला गया तो जो आपके झूठे दोस्त होते हैं वो आपसे दूर से ही जो है टाटा बाय बाय कर लेते हैं फिर उनको आपसे कोई मतलब नहीं रह जाता फिर आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहता दैट फाउंड ऑन हिम बिफोर

एंजॉयड ऑल ऑफ यूर वेल्थ उन्होंने आपकी वेल्थ के साथ टाइम में वो आपको बहुत ही नीची नजरों से देखेंगे क्योंकि अब उनके अंदर कोई लव और अफेक्शन नहीं है आपके लिए आप तो एंटरटेनमेंट थे जिसको उन्होंने यूज किया खत्म किया और चले गए नीड इफ दाउ सोरोप अब यहाँ वो बात कर रहे हैं एक रियल फ्रेंड की ही दैट इज दाई मतलब योर वो जो तुम्हारा सच्चा दोस्त है इन डीड वो जो तुम्हारा दोस्त है ही विल हेल्प दी इन नीड वो जो तुम्हारा सच्चा दोस्त है वो तुमको तुम्हारी जरूरत के वक्त में हेल्प करेगा इफ दाव सोरो विल वीप अगर तुम्हारा पेन होगा अगर तुम्हारी तकलीफ होगी तो वो रोएगा इफ दाव वेक ही कैन नॉट स्लीप और अगर तुम जागोगे तो वो सो नहीं पाएगा सो द पोएट द पॉजिटिव साइड ऑफ फ्रेंडशिप यहाँ पे पोइट जो है एक जेन्युन फ्रेंडशिप के बारे में बता रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं ना वो कम्पेनियंस होते हैं वो सोल कंपेनियंस होते हैं दे कम व्हेन यू नीड देम वो कब आते हैं जब तुम्हें उनकी जरूरत होती है वो आपके साथ खड़े होते हैं दे हेल्प वेन योर इन ट्रबल अगर आप किसी मुश्किल में हो तो वो आपको छोड़ के नहीं जाते वो आपके साथ खड़े रहते हैं वो आपको स्ट्रेंथ देने के लिए खड़े रहते हैं दे फील योर पेन दे कैन अंडरस्टैंड योर डिफिकल्टीज एंड दे एक्सटेंड देयर हैंड टू टू सपोर्ट यू स्टैंड अप वो आपके पेन को समझते हैं जब आप गिर जाते हो तो आपको संभालने के लिए खड़े होते हैं और अपना हाथ देते हैं कि आप वापस उस मुश्किल से निकल जाओ दे विल नॉट स्लीप इफ यू आर वेक दे लव दे लव नेयर डाइज एंड दे नेवर स्टॉप टू कम आफ्टर यू

ही विथ यू ही और वो तुम्हारे उस दर्द को बांटेगा These are certain signs to know, और ये वो कुछ साइंस है जो तुमको एक फेथफुल फ्रेंड और एक फ्लैटरिंग फो फो मतलब एनिमी एक जो क्या बोलते हैं भरोसेमंद दोस्त और एक जो सिर्फ आपको या उसको जो है ना जो मस्का लगाने वाले जो आपके जो आपके दोस्त होते हैं उन दोनों में ये है। so, ये है। हैं हैं। जो आपको शो करते फील योर पेन दे आर रेडी टू शेयर योर ग्रीफ दीज आर द ग्रेट साइंस टू नो द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रू फ्रेंड एंड अ फॉल्स फ्लैटरी फ्रेंड सो गाइज द थिंग इज we ऑल हैव फ्रेंड्स right? हमारे पास बहुत दोस्त होते हैं और ऐसा है ही नहीं कि कभी किसी ने आपको हर्ट नहीं किया होगा आप हुए होंगे हर्ट किसी ने आपको थोड़ा हर्ट किया होगा किसी ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया होगा आपको लगा होगा यार ये तो मेरा दोस्त नहीं है झगड़ा भी हुआ होगा कभी कभी हम बहुत स्टूपिड चीज़ों पे झगड़ा करते हैं और कभी कभी हमारे जो झगड़े होते हैं वो हमको रियलिटी बताते हैं कि कौन हमारा दोस्त है कौन नहीं है आप लोग जिस एज में हो अभी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे बहुत सारे लोग आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल मेरा बेस्ट फ्रेंड है और बाद में लगेगा यार ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने मुझे मेरे मुश्किल टाइम पर अकेला छोड़ दिया जस्ट रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग जब आपकी लाइफ में कोई एज अ फ्रेंड ऐड होता है और आपकी लाइफ का जो ग्राफ है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब आपके साथ आपको लोग डांट नहीं रहे हैं आप जो हो गलत चीज़ें नहीं सीख रहे हो अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो वो आपको डांट रहा है बोल रहा है नहीं सही काम करो तो अगर आपकी लाइफ का ग्राफ ऊपर जा रहा है ना इसका मतलब आप किसी सही इंसान के साथ हो लेकिन अगर आपकी लाइफ का ग्राफ नीचे जा रहा है अगर आपको अचानक से आप अपने बाकी दोस्तों से कट गए हो आप अपने पेरेंट्स से बहुत डांट खा रहे हो अगर आपके टीचर सब आपको उतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे आपके मार्क्स डाउन हो रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी डाउन हो रही है देन रिमेंबर दैट यू आर नॉट विद सम राइट ओके सो जस्ट बी माइंडफुल अबाउट चूजिंग योर फिल्म नाव वी आर गोइंग टू सी द पोएटिक डिवाइज दैट हैव बीन यूज इन दिस पर्टिकुलर पोम सो पहली जो पोएटिक डिवाइस है वो है सिमिली जहां पे आप दो चीजों को कंपेयर करते हो यूजिंग द वर्ड्स एज अ लाइक वर्ड्स आर इजी लाइक विंड यहां पे आप वर्ड्स को कंपेयर कर रहे हो विंड से यूजिंग द वर्ड लाइक सो कंपेयरिंग द द वर्ड्स टू टू विंड शो हाउ फ्रेंडशिप बिकम फेक विद फ्लैटरी वर्ड्स सो यहां पे आप वर्ड्स को विंड से शो कर रहे हो कि किस तरीके से फ्रेंडशिप होती है वो सिर्फ फ्लैटरी वर्ड से फेक बन जाती है द वर्ड्स विच कम्स फ्रॉम फेक फ्रेंड्स हैव नो मीनिंग एंड डायरेक्शन लाइक विंड सो बेसिकली वो यहां क्या बताना चाहता है कि वो वर्ड्स जो कि झूठे दोस्तों के मुंह से निकलते हैं वो विंड की तरह होते हैं जिसका कोई डायरेक्शन ही नहीं होता नेक्स्ट है स्टोर ऑफ क्राउन स्टोर ऑफ क्राउन जो है इसका मतलब होता है मनी वेन वी डोंट मनी द फेक विल गो अवे फ्रॉम अस अगर वो है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो प्रोडिगल मीनू मनी ना दोएट कंपेयर दर्सन टू अ प्रोडिगल सन यहाँ पे जो पोएट है यहाँ एक मेटाफोरिकली वो कंपेयर कर रहा है एक प्रोडिगल से जो कि यूनो एक यूनिवर्सल मैसेज दे रहे हैं वो सोसाइटी को इसके बाद जो हमने पोएटिक डिवाइस यूज करी है वो है अलिट्रेशन अलिट्रेशन जहाँ पे एक ही लाइन में सेम कॉन्सोनेंट साउंड आप रिपीट करते हो जैसे कि यहाँ पे देखो फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड यहाँ पे फ का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है इन द सेकेंड लाइन दे दैट फॉन्ड ऑन हिम बिफोर यहाँ पे दे दैट यहाँ पे द का साउंड रिपीट हो रहा है सो so, ये हो गया एलिट्रेशन अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर में इसका राइम स्कीम देखने के लिए तो राइम स्कीम देखने के लिए हम जाएंगे नीड पूरी पूरी दोनों सेम साउंड कर रहे हैं वीप और स्लीप दोनों सेम साउंड कर रहे हैं पूरी पोम में जो राइमिंग पैटर्न यूज किया गया है दैट इज ए बी बी क्या यूज किया है राइमिंग पैटर्न ए ए बी बी क्लियर And now this is done, and we will see the summary of this particular poem. The poem "Friends and Flatterers" is written by William Shakespeare, who is considered the greatest playwright of all time. We know this. The speaker warns the reader not to fall prey to flatterers, and one should know worths worth to avoid becoming a victim of flattery. So, his poem may. स्पीकर जो हैं जो राइटर हैं विलियम शेक्सपियर वो हमको वार्न कर रहे हैं कि हमको जो है झूठे दोस्तों के लिए फॉल नहीं होना चाहिए फ्लैटरस के लिए फॉल नहीं होना चाहिए और हमको हमारी वर्थ पता होना चाहिए सो so दैट हम इस फ्लैटरी के विक्टिम ना बने फ्लैटरस अकॉर्डिंग टू द पोएट विदाउटरिटी इन देयर अप्रिसन वो लोग बिनाटी के आपको बस बिना मतलब के अप्रिशिएट करते हैं चने के जहाट पर चढ़ाते हैं सो द पोएट कंपेयर वर्ड्स लाइक द विंडूंग पोएट जो है उनके वर्ड्स को विंड से कंपेयर कर रहा है जो कि हमारी तरफ बहती है जब हम अच्छा कर रहे होते हैं ही फर्दर सेज दैट इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड फेथफुल फ्रेंड्स हु विल सी अस ट्रू सैड एज वेल एज हैप्पी टाइम्स और वो यहां पे कह रहे हैं कि हमें ऐसे फेथफुल फ्रेंड्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो सिर्फ हैप्पी टाइम्स में नहीं बल्कि सैड टाइम्स में भी हमारे साथ खड़े होते हैं would surround वुड when we वी money मनी एंड पावर एंड us when वी आर डिवॉइड ऑफ resources। जो फ्लैटर्स हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे जब हमारे पास पैसा है हमारे पास पार है लेकिन डेजर्टर्स मतलब छोड़ के चले जाएंगे जब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा इफ वी we wealth on वेल्थ ऑन देम दे by बाय एलिवेटिंग generous and एंड वर्थी ऑफ a किंग अगर हम अपना पैसा उनके ऊपर लुटाएंगे दे us। वो हमको इतना ऊंचा एकदम इतनी रेस्पेक्ट देंगे जैसे कि हम कोई किंग थे बट इफ वी फॉल अपॉन हार्ड टाइम्स लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाएगी दे नो लॉन्ग अन फिर वो हमारे साथ कभी खड़े नहीं रहेंगे ट्रू फ्रेंड्स पोएट सेज आर आर हु यू इवन ड्यूरिंग बैड टाइम्स सो पोएट क्या बोल रहे हैं सच्चे दोस्त वो होते हैं जो मुश्किल के वक्त भी आपके साथ खड़े होते हैं दे स्टैंड बाय यू एंड एम्फाइज व्हेन यू आर इन ग्रीफ तो वो तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं और जब तुम पेन में हो तो वो उस पेन को समझ पाते हैं दे शेयर योर सोरोज एंड हेल्प बेयर योर बर्डन्स वो आपके दुख को भी शेयर करते हैं और आपके बर्डन्स को भी शेयर करते हैं वन शुड चेरिश द फ्रेंडशिप ऑफ सच पीपल और ऐसे दोस्तों को हमें कभी जाने नहीं देना चाहिए ऐसे दोस्तों को हमेशा हमें हमारे इवन एट सो लेट्स बिगिन कंप्लीट दिस टेबल वेन यू हैव इनफ मनी टू स्पेंड वेन यू डू नॉट हैनी तो यहाँ पे जैसे एवरी वन विल नो वन विल तो आपको ये जो पोम में जो भी समझाया है अकॉर्डिंगली आपको वो टेबल फिल करना है सो हियर वी हैव देंसर सो वेन यू हैव इनफ मनी टू स्पेंड एवरी वन विल बी योर फ्रेंड पीपल विल कॉल यू बाउंड्रीफुल दे विल ऑल्सो फ्लैटर यू बाई सेट्स अ पिटी दैट यू आर नॉट अकिंग की कितनी गलत बात है तुम्हें तो, तो राजा होना चाहिए बट वेन यू डू नॉट हैनी नो वन विल सप्लाई वॉट यू नीड तुम्हें जो भी जरूरत होगी कोई तुम्हें नहीं देगा योर पॉपुलरिटी तुम्हारी पॉपुलरिटी कम हो जाएगी हु प्रेज्ड यू अर्लियर विल नो लॉन्गर इंजॉय योर कंपनी और जो तुम्हारी पहले बड़ी तारीफ करते थे अब वो तुम्हारी कंपनी को बिल्कुल एंजॉय नहीं करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्स आर इजी लाइक द विंड वर्ड्स आर बीइंग देंड हु इन वट सेंस आर दे इजी यहाँ पे हम किसके वर्ड्स की बात कर रहे हैं यहाँ हम फेक फ्रेंड्स जो फ्लैटरी फ्रेंड्स होते हैं उनके वर्ड्स की बात कर रहे हैं इन वट सेंस आर द इजी दे आर इजी लाइक वेन बिकॉज दे डो नॉट मीन वट दिस वो उस चीज से उन्हें कोई मतलब नहीं होता वो सिर्फ आपको लुभाने के लिए आपको उस वक्त अच्छा फील कराने के लिए आपसे अपना मतलब निकालने के लिए आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे लेकिन उनके जो वर्ड्स होते हैं वो हवा की तरह होते हैं जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता कभी इधर तो कभी उधर द वर्ड्स ऑफ फ्लैटर्स आर बींग रेफर्ड टू हियर ठीक है सो so, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे वर्ड्स ऑफ फ्लैटर्स की हो रही है दीज वर्ड्स आर ईजी इन द सेंस दैट दे आर स्पोकन ईजिली एंड फ्रीली ईजिली का मतलब है ये बहुत ईजिली और फ्रीली बोल दिए जाते हैं विदाउट अटैचिंग टू मच मीनिंग और डिस नॉट नीड द पर्सन एनी मोर वो विंड की तरह बहुत जल्दी अपना डायरेक्शन बदल लेते हैं या विंड की तरह गायब भी हो जाते हैं जब उनको उस पर्सन की जरूरत नहीं हो जाती रहती तो वो चले भी जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वर्ड्स आर इजी व्हाट इज हार्ड अगर शब्द इतने ज्यादा आसान होते हैं तो फिर मुश्किल क्या होता है वर्ड्स आर इजी बट स्टेंग ट्रू टू वर्ड्स ऑफ अफेक्शन एंड फ्रेंडशिप आर हार्डर सो आप जब किसी से अच्छी-अच्छी बातें करते हो बातें करना बहुत आसान होता है लेकिन उन बातों के साथ खड़े रहना उस फिक्शन, उस फ्रेंडशिप के साथ खड़े रहना दैट इज हार्ड प्राइजिंग समवन इज इजी किसी की तारीफ करना बहुत आसान है बट शोइंग लॉयल्टी टू दैट पर्सन एंड सपोर्टिंग दैट पर्सन व्हेन ही और शी नीड्स इट इज़ डिफ़िकल्ट किसी को ये बताना भरोसा दिलाना कि आप उसके साथ हमेशा खड़े हुए हो लॉयल्टी दिखाना बहुत आसान होता है लेकिन जब उसको उस लॉयल्टी की ज़रूरत होती है जब वो चाहता है या वो चाहती है कि आप उसके साथ खड़े रहो तब अगर आप उसके साथ नहीं हो तो फिर उस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता और शायद वही चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है सो वॉट इज़ हार्ड हार्ड इज़ टू स्टैंड बाई योर वर्ड्स हार्ड इज़ टू बी लॉयल वेन द पर्सन नीड्स योर लॉयल्टी

हमारे साथ खड़े रहते हैं जब हम इन सारी चीज़ों को बेयर कर रहे होते हैं वो हमारे साथ रोते भी हैं और जब हमें रात में नींद नहीं आती है हमारे हार्ड टाइम्स में तो हमारे साथ जागे भी रहते हैं फॉल्स फ्रेंड्स ऑन दी अदर हैंड मे फ्लैटर विद ईजी वर्ड्स

ंग बट इफ वी फॉल अपॉन हार्ड टाइम्स लेकिन अगर हम दुख में आ जाएं, अगर हम हार्ड टाइम्स में आ जाए लॉन्गर रिमेन विद हमारे साथ कहीं दिखते भी नहीं खड़े भी नहीं रहते तब वो गायब हो जाते रीड द लास्ट लाइन ऑफ दॉम हाउ कुडर बी अच्छे फ्रेंड्स एंड फ्लैटर फो फ्लैटर को फो कहा गया है एनिमी कहा गया है हाउ कैन अटर बी अ फ्लैटरर इज इन अ फो और एन एनिमी बिकॉज अ फ्लैटर चीट्स विद फॉल्स वर्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड प्लेस एक फ्लैटर को एक दुश्मन या एक एनिमी कहा गया है क्यों कहा गया है क्योंकि एक जो फ्लैटर होता है ना वो आपको आपके साथ विश्वासघात करता है वो आपका आपको चीट करता है अपने झूठे शब्दों से फ्रेंडशिप से अ फ्लैटर मेक्स यूज ऑफ आर रिसोर्स वेन वी हैव दैम वो हमारी चीज़ों का यूज करता है जब वो हमारे पास हैं बट डज नॉट हेल्पअ वेन वी फेस अ लॉस लेकिन वो हमारे साथ कहीं खड़ा नहीं रहता जब हम एक लॉस फेल कर रहे होते हैं दिस वे अ फ्लैटर बी ट्रेज आर ट्रस्ट एक फ्लैटर जो होता है वो आपको धोखा दे देता है आपके ट्रस्ट को तोड़ देता है एंड कैन सेटअप सेटअप फॉर शॉक्स और डिसअपॉइंटमेंट्स और जब हमें हम जब किसी पर भी भरोसा करते हैं और वो भरोसा हमारा तोड़ देता है तो हम शॉक्ड हो जाते हैं हम डिसअपॉइंट हो हो जाते हैं, हम हो जाते हैं हैं हम तो अगर आप किसी फ्लैटर पे भरोसा करोगे तो ऑब्वियसली वो आपको बीट्रे करेगा एंड देन यू विल हैव टू फेस द शॉक्स एंड डिसअपॉइंटमेंट सो दैट इज कोई अगर आपको इतना हर्ट कर रहा है इतनी तकलीफ दे रहा है तो वो आपका फ्रेंड कैसे हो सकता है वो तो आपका दुश्मन हुआ एंड दैट इज वाई अ फ्लैटर फ्रेंड इज नोन एज अ फो और एन एनिमी

एंड फोन दे हैव सिमिलर मीनिंग किसी को चाम करना किसी को फोन करना मतलब आप किसी को फ्लैटर करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप जब किसी को कंडेम कर रहे हो मतलब आप किसी का किसी की बात नहीं सुन रहे हो या उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो इसका मतलब ऑपोजिट होता है तो ये दो वर्ड्स हैं किसी को चाम करना ये ये फ्लैटर करने से मतलब होते हैं लेकिन कंडेम करना का मतलब होता है जैसे कि दस इज कंडेम ऑफ रूल्स और रेगुलेशन आप किसी चीज को तोड़ रहे हो किसी चीज को नहीं मान रहे हो क्रिटिसाइज करना मतलब आप किसी चीज का कि गलतियां निकाल रहे हो तो ये दोनों फ्लैटर के ऑपोजिट हो गए अब है द फ्रेज फेथफुल फ्रेंड अकर्स ट्वाइस इन द पोम कैन यू फाइंड अ सिमिलर फ्रेज व्हिच स्टैंड्स फॉर इट्स ऑपोजिट तो जैसे फेथफुल फ्रेंड का एक सिमिलर फ्रेज दिया हुआ है जिसको ऑपोजिट है वो है फ्लैटरिंग फो मतलब सच्चा दोस्त और झूठा दुश्मन नाउ

दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्शन इन दिस पोम हमें दूसरे एग्जाम्पल निकालने सो अदर एग्जाम्पल्स इन्वर्शन आल बट इफ फॉर्च्यून व्राउन सो ये अगेन दूसरा हो गया यूज हिस कंपनी नो मोर यू नो मोर यूज हिस कंपनी एंड ही विथ दी डॉथ बेयर अ पार्ट सो ही ही विल डज बेयर अ पार्ट विथ यू की जगह ही विथ दी डॉट बेर अ पार्ट तो ये तीनों हो गए इनवर्जन के एग्जाम्पल जहां पे सेंटेंस में स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है टू मेक इट राइम ओके Faithful friends are hard to find. This line is an example of alliteration, जहाँ पे F का sound repeat हो रहा है। दूसरे alliteration के examples क्या हो गए? हमने देखा था, Wills thou hast wearweth to spend? यहाँ पे wills and wearweth to spend, तो यहाँ पे W का sound repeat हो रहा है। But if fortune wants to frown, But if fortune wants to frown, यहाँ पे भी F का sound repeat हो रहा है। Faithful friends from flattering flow. तो यहाँ फेथफुल फ्रेंड फ्रॉम फ्लैटरिंग फो ये यहाँ पे भी फो का साउंड रिपीट हो रहा है तो ये तीन एग्जांपल्स किसके हो गए एलिट्रेशन के एग्जांपल्स हो गए एंड ऑन दिस नोट वी आर डन विद दिस चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स एज वेल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड वाचिंग दिस वीडियो आई होप यू अंडरस्टुड दिस पोम वेल दिस वॉज ईजी एंड इट हैज अ वेरी पावरफुल मैसेज विच यू शुड अंडरस्टैंड So that you do not get cheated in life. Okay. So take care of yourself. Do not forget to visit our website which is magnetbrains.com. Here it is very easy to find all our videos. You have to just select the class and then subject and then you can come to chapter-wise videos and select whichever chapter you wish to study and your video start will start. That's it. अच्छा video समझ my explanation then do not forget to like, subscribe and share. Take care of yourself. Bye bye.